नमस्कार, आप सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खास तौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्योछावर कर दिया। मैं जीवन आहुत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भलीभांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके, कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर,
हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया। पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिली। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा, यानी 2,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हो या मेडिकल व्यवस्था सुधारने का देश का लक्ष्य, इन सब में आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उदाहरण के तौर पर, जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सीन लगवाई तो उससे देश में वैक्सीन को लेकर उत्साह और बढ़ा। इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं। साथियों, आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और एक भारतीय को योग को समझना भी स्वाभाविक रूप से आसान होता है। जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है। क्या IIM इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? योग पर एविडेंस बेस्ड स्टडीज को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है? एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडीज को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश।